की दुकान है और कुछ किसान जो आसपास के गांव के शहर के बीच में अपना फासला तय कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई है। कहाँ शहर में कहाँ जा रहे थे? कहीं ना यहीं तक आए, खाद लेने आए डीएपी को। मिल गया खाद? ना मिलो, अभी ना मिलो। तीना दुकानों पे सरकारी पे जा रहे हैं, इस गोदाम में मिल जाएगा तो ठीक है। क्या बोने को रह गया अभी? कुछ नहीं, यूरिया लेने आया रहे लगाने के लिए। हमारे वो रखा है, गेहूं है, लाया है, मसूर है। कब मिलेगा? अब मिल जाएगा, जो एक आध दिन में मिल जाएगा। सही है, मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है आसानी। आधार कार्ड पे दे रहे हैं, आधार कार्ड पे दे रहे हैं, दो कट्टे एक कट्टा। क्या चल रहा है जी, किसकी सरकार लौटेगी? सरकार मोदी जी की लौटेगी, और कौन की लौटेगी? किसान सब रूठा पड़ा है, उठने को तैयार नहीं। अब रूठे भाई तो सब तरह के किसान होते हैं, कछु खुशहाल हुए कछु परेशान हुए, सब सभी थोड़ी खुशहाल जाएंगे। काउ सरकार में कोई खुशहाल ना हो। अलीगढ़ का किसान ना गया दिल्ली पे आंदोलन करने? अलीगढ़ को किसान का जाया, अलीगढ़ का परेशानी आ रही है। वो किसान कोई वाक है, वो तो राजनीति चल रही है वहाँ, कोई वो किसान रेटे। ये जो किसी के कानून जो वापस लिए हैं प्रधानमंत्री ने, इसका कोई असर होगा? असर तो होना चाहिए, जब उन्हें ले लो है। बताओ, जो सरकार बना रही है कोई नियम तो बढ़िया बना रही होगी, घटिया तो बना ही रहे। अब वो काऊ को पसंद आते हैं, काऊ को ना पसंद आते, वो तो घर को तो माहौल है। अब तुम दो बच्चे हो, एक को बढ़िया कपड़ा लिया, एक को घटिया लिया, तो वो एक तो रूठे को ही रूठे हो। हुआ क्या, मतलब डर गए मोदी जी फिर वापस? मोदी जी का कौन डरेंगे, वो तो किसानों के हितों में उन्होंने वापस लिए। जब किसान इस चीज से खुश हैं तो उन्होंने बनाए। किसके लिए थे? किसानों के लिए बनाए। तो फिर वापस क्यों लिए? जब किसान खुश ही नहीं है तो उन्होंने वापस इसलिए ले लिए। उन्होंने कहा कि किसानों का एक वर्ग खुश नहीं है। नहीं ऐसा है, सुनो, हम ये कह रहे हैं उन्होंने किसानों के हित में सोचा कि कोई चीज लागू लेके आए कि यहाँ से या दिल्ली ले जाओ। तो उन्होंने बताया कि लेके तो हित में ही आए थे, लेकिन एक वर्ग जिसको वो खालिस्तानी पाकिस्तानी सब लोग बोलते थे, वो खुश नहीं था। नहीं, वो अब पाकिस्तानी और उनसे था, वो हिंदुस्तानी और रेगिस्तानी थे। हमें वहाँ की पब्लिक तो देख रहे हैं कि कौन खुश है कौन का है। हम तो अलीगढ़ में रह रहे हैं, हम तो यहाँ की अलीगढ़ की जनता देख रहे हैं, सब खुश है उनसे। कौन सी दिक्कतें क्या आती हैं आप लोगों को? और सरकारों में बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं? ना सर, दिक्कत कह ना, दिक्कत तो सबसे ज्यादा परेशानी है मजदूर आदमी की। हर आदमी खुश है, किसान भी खुश है और सरकारी सर्वेंट भी खुश है। मजदूर वर्ग हर परेशान है। मजदूर वर्ग के लिए तो कुछ करो ही ना, बताओ काम करो। खुश है, है? खुश तो नो है कि अब और कोई चारा ना है, खुश रहना पड़ा बाबू। तो मजबूरी है खुश रहना? नहीं मजबूरी है भाई, मजबूरी है, वो तो खुश तो रहना ही है। अब दुखी रहे तो थोड़ी बाबू कोई। क्या काम करो आप? सब मिशनरी को काम करते हैं। मजदूर है, राजगी मजदूर वर्ग है। खुश हो आप? अरे खुश तो ना, महीना में 10 दिन मिल गो, 15 दिन मिल गो, जाते थे घर को गुजारा चलो, पर जो खुश तो मजबूरी है, गुजारा तो करना ही है, कैसे न कैसे जीवन तो काट। साहब कह रहे खुश रहना मजबूरी है, रहना पड़ेगा। अरे रहना पड़ेगा, कोई मजबूरी तो आती है सब सामने, और कोई व्यवस्था ना है तो क्या करो जाए। कौन लौट के आ रहा है 22 में? देखो जी, जी तो पूरे बहों का ऊपर है, पब्लिक के ऊपर कौन है चुन के लाभ है। जी तो लंबा चुनाव है, कोई गांव को तो उतना जो आंकड़ा कोई बता दे। जी तो वोट तो गांव से भी जाएगा? हाँ गांव तो जाएगा, सभी पार्टी ने जाएगा। सब ने जा, हमारे ना आप बताओ, वोट तो सभी पार्टी को जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी लौट के लौट नहीं तो कोई उम्मीद ना आए पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाए। योगी जी लौट आएंगे, उम्मीद है उनकी, उनकी तो सबसे पहले उम्मीद है कि योगी जी लौट आएंगे, परंतु पूर्ण विश्वास की उम्मीद ना कि पूर्ण बहुमत मिल जाए पहले की तरह। क्यों, ऐसी क्या कमी है? हम यहाँ की तो जनता, जनता की कमी है। जनता ने 3 बार 3 सरकार दे दी बराबर, और तीनों सरकार में जनता परेशान है। हमने कह दिया ना मजबूरी है, आप रहो। मजबूरी है तो वही मजबूरी है, अगर परेशान है और कोई भी सरकार आ जाए, काई बस भ्रष्टाचार रुकनो ना है, कभी भी ना रुकनो, ये इंसान है आज का, वो कहीं ना कहीं से ले ले, ले, ले। टेस्ट बदलोगे या वही रखोगे? वो तो अब की तो खिचड़ी में होनी है, 3 बार सरकार बदलेगी, अब की तो खिचड़ी में जाएगी, अब की नहीं आनी, नहीं आएगी ना आएगी। हम बैठे 15 दिन है कि जैसे वो बताओ 10 दिन 4 दिन काम कर लो, 10 दिन बैठे। अब बताओ तुम ही लोगों ने कछु काम है रो, तो भैया अब तुम छुट्टी कर लो भाई, काम नहीं है, काम आ जाने दो, जब काम कराएंगे तो काम कर, तुम्हारी मूढ़े फोरे में आ जाएगा अपनों फोरे। बदलोगे सरकार? अरे बिल्कुल बदले ही, आम का दौरा है। और सोच रहा हूँ कि मोदी जी की राहों पर ही चलता रहूँ तो ठीक है, क्योंकि कुछ हालात बिगड़े हुए थे, उनको संभालने के लिए में समय लगता है। और पहले भी ये जनता काम करके ही खा रही थी,
और आज भी काम करके ही खा रही है। सरकार क्यों बना है वोट देने का, कोई जाए घर पे ही बैठे? वोट देना हमारे एक हिंदुस्तान की पहली नागरिकता रही है कि वोट वो चाहे किसी को भी दें, वोट देना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार नहीं है, कौन भला कर रही है कौन बुरा कर रही है? भले का मतलब तो ये है कि एक गरीब तबके के आदमी को काम कल भी करना है और आज भी करना है। गवर्नमेंट जितना कर रही है उतना आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने आगे के लिए नहीं किया। जो अखिलेश यादव सारे पिछड़ों को अगड़ों को साथ लेके आ रहे हैं, कुछ कर पाएंगे? अभी आपने कल परसों टीवी में सुना होगा कि अखिलेश जी विदेश में पढ़ के आए हैं, उनमें वास्टेडी भी बहुत ज्यादा है और वो पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन जब वो बुजुर्ग लोगों के लिए संत समाज के लिए इस तरीके का वो भाषण दे रहे हैं कि चिलमची या खद्दादारी ये क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने चाय बेची है, बेची है, मेहनत की है, जब वो अपने मुकाम पर आगे पहुंचे हैं। आज के तबके का आदमी ये सोच रहा है कि मोदी जी घर बैठ के मुझे 5,000 रुपए महीने की पेंसिल भेजते रहे। तो वर्मा जी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे जो हैं सरकार के बता रहे हैं, इधर लोग जो हैं खिचड़ी सरकार लेकर आ रहे हैं, लेकिन होगा क्या 2022 में ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।